राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडो में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अनिल शर्मा ने अध्यापकों से आग्रह किया है कि वे विद्यार्थियों को पूरे समर्पण भाव से गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें। अनिल शर्मा ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने और नशाखोरी से दूर रहकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, साथ ही जीवन में उपलब्धियों की बुलंदियों को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में वही विद्यार्थी कामयाबी प्राप्त करता है जो अपने विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, इसी के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। स्थानीय विकास की चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पंडोह और जागर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। अनिल शर्मा ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने स्कूल के पुराने भवन की मरम्मत तथा खेल मैदान के विस्तार के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। मैं भी यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसका भी अच्छा निर्माण हो, परंतु समय आज समस्या किस बात की आ रही है। मैंने अभी रंधाड़ा में स्कूल का उद्घाटन किया, लगभग 4 करोड़ का भवन बना रंधाड़ा में, और इतना बड़ा भवन मैं समझ सकता हूँ कॉलेज की बिल्डिंग नजर आती हो जैसे कॉलेज की बिल्डिंग है। उद्घाटन तो कर दिया, जब मैंने पूछा बच्चे कितने, बोले 300 बच्चे। अब 300 बच्चों के लिए 4 करोड़ का भवन हमने बना तो दिया। मुझे इस बात की नहीं है कि भवन तो बन जाए, परंतु बच्चों की संख्या बढ़ती रहे तो अच्छा है। यदि बच्चों की संख्या घटती रहे, अभिभावक ये सोचने में मजबूर हो जाए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो है स्तर गिरता जा रहा है, प्रश्न इस बात का है कि हम इसका स्तर कैसे बढ़ाएं। मैं अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि हमारा काम है वो हम तो करें, परंतु शिक्षा जगत में इनका भी बहुत रोल है और साथ में अभिभावकों का भी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मैं देखता हूं कि हमारे अभिभावक जो हैं वो अध्यापकों को छोड़ देते हैं, पास हो फेल हो उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि पैसा कम लगता है, फीस कम होती है, इसलिए वो बात छोड़ देते हैं। परंतु मैं उन बच्चों को, खासकर जो मुझे कहा गया कि आपका यहाँ अध्यापक तो नहीं है और बगैर अध्यापक के आपने जो यहाँ पर अच्छा शो किया, इन बच्चों के ऊपर अंदर अपने आप कुछ करने की क्षमता होती है। प्रधानाचार्य वीना वैद्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, साथ ही स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जबकि SMC के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ठाकुर ने स्कूल की समस्याओं से लोगों को अवगत करवाया। पंडो से देशराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।